मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं और मेरी बेटी जनकपुर आए हैं। जनकपुर जहाँ पे माता सीता का घर है, वैसे ही हमारा ससुराल है, उसको जनकपुर हम लोग बोलते हैं। और पीछे हमारे ससुर जी हैं। हमारे घर से लगभग 60 किलोमीटर के दूरी पे है एक गांव आंगरा टोला, वहाँ पे मेरा शादी हुआ था। तो अभी हम लोग यहीं पे आए हैं। बहुत अच्छा एकदम ग्रीनरी एरिया है, बहुत अच्छा नज़ारा है, आपको दिखाता हूँ। और ये देखिए, सामने मेरे ससुर जी हैं, फादर इन लॉ। मेरी बेटी आई हुई है, घूम रही है, बहुत भद्र इंसान है, सीधे साधे व्यक्ति हैं। ट्रैक्टर और सामने का सारा एरिया जो है ग्रीनरी है। इनका अपना गाय है। और ये देखिए, बहुत अच्छा लगता है जब आप नेचुरल जगह पे जाते हैं। देखिए, हम लोग आए हैं अपने ससुराल में घूमने, और इन्होंने सब्जी की खेती भी की है अच्छा खासा, आपको दिखाऊंगा। और ये जामुन का पेड़ है, और इन्होंने गाय पाला हुआ है। और सामने दूर दूर तक देखेंगे आप, ये धान का खेती है और धान सूख गया है। पापा कह रहे थे कि हार्वेस्टर आने वाला है और हार्वेस्टर से धान की कटाई होगी। तो प्योर खेती बाड़ी एरिया में आए हैं, जहाँ पे नेचुरल वातावरण है, नेचुरल एयर आपको मिलेगा। आप अगर शहर में रहते हैं, जितना दिन जीते हैं उसे 10 साल 15 साल आपका एज बढ़ जाएगा। अगर आप देहात में हैं या किसी ग्रीनरी एरिया में हैं, जहाँ पे आपको नेचुरल हवा, नेचुरल सांस लेने के लिए प्राकृतिक हवा मिल रहा है, साफ सुथरा हवा मिल रहा है और ग्रीनरीज मिल रहा है। आपको इस वीडियो में मैं अपने ससुराल के जनकपुर के रिलेटिव को भी मिलाऊंगा, मेरी सासू को, मेरी सरहज बोलते हैं साला की वाइफ को, साले साहब को, और ये मेरी बेटी जो है। ये देखिए, बैंगन की खेती हुई है, बैंगन फरा हुआ है। चलिए अंदर से आपको दिखाता हूँ। ये शिवा है, ये हरिओम पांडे हैं, ये प्रिंसी है, और ये शिवा पांडे है मुर्गा वाली। देखिए दोस्तों, हमारे आने की खुशी में मेरी सरहज ने लिट्टी का व्यवस्था किया है, जो हम लोग का जो फेमस फूड है, लिट्टी चोखा। और देखिए, देखिए अभी मटेरियल सब बन रहा है, मस्त लगती है देखने में ये भी। और आगे बन जाएगा, आगे जब मटेरियल ये देखिए, नींबू लाओ, धनिया पत्ता लोग जी, धनिया पत्ता, नींबू लेके आओ, और ये सब अदरक लहसुन सब काट रही हैं। मटेरियल बन रहा है और हम लोग आज खाएंगे, तो आपको आगे का पोस्ट करूंगा। ये मेरी मदर इन लॉ है, मेरे सासू माँ। देखिए दोस्तों, अब धीरे धीरे फैमिली का इंट्रोडक्शन मैं दूंगा। यहाँ पे हम लोग आए हुए मिलने से, इनके लिए, इनसे मिलने के लिए। और इनको और फादर इन लॉ को बोला है कि आप लोग आइए हमारे यहाँ बॉम्बे में, फिर हम लोग जाएंगे द्वारिका घूमने के लिए, ठीक है ना? चलिएगा ना? देखिए दोस्तों, हम द्वार के छत पे हैं। यहाँ नींबू का पेड़ है, यहाँ बैंगन है, ब्रिंजल, लेमन, और ये है दूधी। दूधी का पौधा पूरा लंबा एकदम पूरा, लौकी, पम्पकिन पूरा फैला हुआ है। और इतना पम्पकिन हो रहा है कि यहाँ गांव पे बांटना पड़ रहा है। गांव की यही मज़ा होती है। और ये देखिए, सिरफल का पेड़ है, ओट दिया हुआ है, पपाया। एक टाइम था कि मुझे डेंगू हुआ था और मैं पपाया का पत्ता ढूंढ रहा था, अब मुझे मिला नहीं। मेहंदी का पौधा,
और एक जगह है कि यहाँ पे सारा चीज है। ये देखिए आंवला का पेड़, जामुन का पेड़ है यहाँ पे, आम का पेड़ है, और ये देखिए गुआभा का पेड़ है, अपना अमरूद का पेड़ दो दो है और पूरा फरा हुआ है। मार्केट में जाते हैं हम लोग खरीदते हैं। बोल रहा था कि शहर शहर लोग बोलते हैं कि पैसा कमाने का जगह है ज़रूर, लेकिन शहर में दोस्तों लाइफ नहीं है, पैसा है, लेकिन एक समय आएगा कि आप कहेंगे कि बहुत कुछ कमा लिया लेकिन ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए। क्यों भाई? कि पैसा आ गया लेकिन मेरा लाइफ ही ख़त्म हो गया पैसा कमाने के चक्कर में। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा मौसम है, कितना अच्छा ठंडा का मौसम है, और ये अमरूद फरा हुआ है, इसको आप हाथ से देखिए, हाथ से तोड़ सकते हैं अमरूद, आप देख सकते हैं, ये देखिए इतना फरा हुआ है, और हाथ से तोड़ के नेचुरल चीज़ खाने का मज़ा और एक दुकान पे बिकता हुआ सामान खाने का मज़ा में बहुत सारा डिफरेंस होता है। यहाँ दूर दूर तक हम देखेंगे कि धान का खेती है जो कि अपने अंतिम चरण अवस्था में है, अंतिम चरण में है, अंतिम लास्ट स्टेज में, और यहाँ से धान की खेती को हार्वेस्टर के थ्रू इसको कटिंग करके धान जो है मार्केट में बेचा जाता है, और उसके बाद धान से धान को राइस मिल के यहाँ पहुँचाते हैं जहाँ पे धान से राइस निकलता है। ये सब चीज़ शहर में कहाँ देखने मिलेगा। दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे जो आप नेचुरल हवा ले रहे हैं और घूमते घूमते भी आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पैदल 5 किलोमीटर पैदल आप जा सकते हैं, तो और आने जाने में शरीर का जो है आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आप स्वस्थ रहेंगे, दवाई की ज़रूरत नहीं है, मेडिकली एंड फिजिकली यू विल बी फिट। और ये देखिए घर का बोया हुआ कद्दू की सब्ज़ी खाइए और एक मार्केट इंजेक्शन वाला कद्दू की सब्ज़ी खाइए, तो उसमें खासा अंतर होता है। गांव है, छोटा सा गांव है, और यहाँ पे बाबा भोलेनाथ का मंदिर है और मैं भोलेनाथ का उपासक हूँ, ओम नमः शिवाय, तो मैं कल पूजा करने ज़रूर जाऊँगा। शाम में वीडियो बना रहा हूँ। फिर हम लोग कुछ देर में यहाँ का जो पारंपरिक भोजन है अपना बिहार का लिट्टी चोखा, तो लिट्टी चोखा बनेगा और पनीर की सब्ज़ी बनेगी जो कि हमारे लिए फेवरेट है, तो उसका वीडियो भी मैं इसमें पोस्ट करूँगा कंटेंट। और पपीते का पूरा पेड़ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं पूरा फरा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, फैमिली मेम्बर के अगले मेम्बर से मिलेंगे, अपने सास मेरे मदर इन लॉ से अपने मिल लिया, और फिर मेरी सरहज साले की साले साहब की वाइफ से मैंने मिलाया, बच्चे लोगों से मिले आप, और ससुर जी का मैंने वीडियो लिया है, अब लाना है ब्रदर इन लॉ साले साहब का वीडियो लूँगा और फिर मैं पोस्ट करूँगा। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो व्यूज़ कीजिए और कमेंट कीजिए कि कैसा लगा। चूँकि श्री रामचंद्र भगवान अयोध्या से हैं और उनकी शादी हुई थी जनकपुर, तो हमसे जब भी लोग पूछते हैं कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो मैं ससुराल को ससुराल नहीं कह के जनकपुर बोलता हूँ, क्योंकि हम लोग भी हमारी शादी जनकपुर में हुई है और हम अयोध्या से हैं। जय श्री राम। तो ये चलिए इंजॉय करते हैं छुट्टी का, मज़ा लेते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर वही ट्रेन, वही भीड़, वही भाड़, वही टेंशन, फिर से वही से ऑफिस नेक्स्ट मंडे, और ऑफिस विल स्टार्ट। देखिए अब लिट्टी का जुगाड़ जो है, ये बोरसी इसको बोलते हैं, मिट्टी का बना हुआ है, इसमें गाय का जो गोबर होता है उसका उपला बोलते हैं या गोइठा बोलते हैं हमारे भाषा में, गोइठा बोझ के और थोड़ा सा किरासन तेल, केरोसिन ऑयल प्रोडक्ट को डाल के और इसमें आग लगा दिया गया है। और ये देखिए लिट्टी को पकाने का जो है व्यवस्था रेडी किया जा रहा है, और उधर हमारी सासू माँ जो है ये कर रही हैं लिट्टी जो है बना रही हैं, और ये जो है चने का सत्तू है, उसमें लहसुन है, लहसुन है, नींबू है, मिर्चा है, सरसों तेल है और नमक है, जवाइन मंगरेल है, ये सब आइटम है, अदरक है,
नींबू है और ये उसमें भरा जा रहा है आटे को गोल गोल करके। तो ये लिट्टी का कॉम्बिनेशन है। और ये देखिए आपको दिखाएंगे हम लिट्टी बनाते हुए। और हमारी भाभी जो हैं बहुत थोड़ा मस्त हैं, मस्त आदमी है। और ये देखिए पूरा उपला को बोर्सी के ऊपर तक बोल दिया गया है। ओरिजिनल आग में का बना हुआ लिट्टी हम लोग खाएंगे आज घी के साथ। और उसके साथ पनीर की सब्जी है, चोखा है, आलू बैंगन टमाटर का चटनी है। एक अच्छा मतलब ससुराल आने का आनंद जो है ऐसे ही मिलता है जब आपको 56 प्रकार के खाना खाने को मिलता है। ऐसा नहीं है नॉर्मल भी खा सकते हैं, लेकिन हमारा कुछ अलग ही अंदाज है भाई साहब। चलिए लिट्टी बनाते समय फिर वीडियो लेंगे, आपको आगे का स्टेप आगे दिखाएंगे। लिट्टी हमारा पकना स्टार्ट हो गया है। देखिए नीचे उपले के आँच पे बन रहा है लिट्टी। और इसको हम लोग घुमा घुमा के पका रहे हैं। इसके बाद अगला स्टेप, जब ये बन जाएगा लिट्टी तो घी के साथ इसको सर्व करेंगे। घी भी जो है आपको देखेंगे, अब देखिएगा हमारे ससुराल में एक गाय भी है, तो ओरिजिनल गाय का दूध पनीर और घी, और घी के साथ लिट्टी खाने का मज़ा कुछ और होता है। ठीक है चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में बना हुआ लिट्टी चोखा आपको दिखाते हैं। और ये देखिए हम फाइनल स्टेज में आ गए हैं। लिट्टी जो है आग पर पका हुआ लिट्टी, इसके साथ पनीर की सब्जी, आलू टमाटर बैंगन का चोखा, वहाँ पे है चटनी प्याज, और बगल में रखा हुआ है कटोरी में घी। और लिट्टी में घी डाल के खाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि भाभी जी ने बनाया है तो ये बहुत ही लाजवाब होगा। ये मेरे साले साहब हैं, ब्रदर इन लॉ। वीडियो में वाइफ ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं है। वाइफ इज़ ऑल्सो मेम्बर ऑफ माई ससुराल फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।